हेलो एवरीवन, हेलेन हेलन कैलर एंड मिस सुलिवन, दिस इज अवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास फोर्थ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आई रिमेम्बर इन ऑल माय लाइफ इज वन ऑन विच माय टीचर एनी मैंस सुलिवन सुलेवन केम टू मी आई हियर रेफर्स टू हेलन कैलर अब चैप्टर में क्या है हेलन कैलर कहती हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे था मेरी लाइफ का जो मुझे याद है वो था जब मेरी टीचर एनी मैंसफी सुलेवन मेरे पास आई थी इट वॉज द थर्ड ऑफ मार्च एटीन ऐटी सेवन थ्री मंथ्स बिफोर आई वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड और वो दिन कब था थर्ड मार्च एटीन एटी सेवन को उसके सेवनथ बर्थडे से तीन महीने पहले ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च एक्सपेक्टेंट और उसी दिन की दोपहर को मैं पोर्च पे खड़ी थी पोर्च मतलब वरान्डा मैं वरान्डा में खड़ी थी एक्सपेक्टेंट मतलब कि उसको लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है आई कुड गेस फ्रॉम माई मदर साइंस एंड फ्राम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस डेट समथिंग अनयूजअल वॉज अबाउट टू हैपन सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स और उसकी मम्मी जो इधर उधर जल्दी जल्दबाजी में घूम रही थी इसको देखकर उसको उसने गैस किया कि आज कोई ना कोई कुछ न कुछ तो अलग होने वाला है तो मैं स्टेयर्स के पास खड़ी होगी डोर के पास जो स्टेयर्स थी वहां खड़ी हो गई The afternoon sun shone through the mass of honeysuckle that covered the porch, and fell on my upturned face. और दोपहर में जो सन चमक रहा था हनी सकल्स यहाँ पे क्या है फ्लावर्स हैं उनके अंदर से जो उनके ऊपर जो सनशाइन आ रही थी वो उन हनी सकल्स जो फ्लावर्स थे जो सन थी वो उन पे गिर रही थी उन फ्लावर्स पे और उसके हेलन कैलर के फेस पर जो कि उसने ऊपर उठाया हुआ था उस पे भी आ रही थी सनशाइन आई फेल्ट अप्रोचिंग फुट स्टेप्स मैंने किस उस ए, हेलन कैलर ने क्या महसूस किया कि फूट स्टेप्स मतलब कि पैरों की, की आवाजें उसको फील हुआ कि उसके पास कोई चलकर आ रहा है आई स्ट्रेच आउट माई हैंड एज आई सपोज टू माई मदर मैंने अपने हाथ स्ट्रेच किए जैसे कि मैं अपनी मम्मी के सामने करती हूँ मतलब उसने हाथ फैलाए समुक इट एंड आई वॉज कॉट अप एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी एंड मोर देन ऑल थिंग्स Else to love me। अब वो कौन थी जो जब उसने अपने हाथ आगे किए तब किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको अपने पास खींच लिया और जिसने खींचा था वो उसकी मदर नहीं थी वो उसकी टीचर थी जो कि उसको सब कुछ सिखाने आई थी और उससे भी ज्यादा उससे प्यार करने के लिए आई थी कुछ सिखाने से ज्यादा उससे प्यार करने के लिए आई थी द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेट मी इन टू हर रूम एंड गेव मिया डोल और सुबह जब मेरी टीचर आ चुकी थी अगली सुबह उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे एक डोल दी वेन आई हैड प्लेड विद इट अ लिटल वाइल जब मैं उसके साथ थोड़ी देर तक खेली मिस सुवन स्लोली स्पेल्ड इन टू माई हैंड द वर्ड डी ओ एल एल और जब मैं उसके साथ थोड़ी देर खेली तब उन्होंने मेरे हाथ पे वर्ड डोल डी ओ एल एल स्पेल किया मतलब हेलन कैलर यहाँ पे अंधी भी थी और बहरी भी थी तो उसको अगर वो बोलती डी ओ एल एल उसकी टीचर तो उसको समझ नहीं आता तो उसने अपने हाथों पर ऐसे साइन लैंग्वेज में कुछ बनाया और अपने हाथों से बना के उसके हाथ पे स्पेल किया आई वॉज एट इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राई टू इमिटेट इट और मुझे इस फिंगर के खेल में मजा आया और मैंने उसको समझने की कोशिश की वैन आई फाइनली सक्सीडिड इन मेकिंग द लेटर्स करेक्टली आई वॉज फ्लश विद चिल्ड्रन प्लेजर एंड प्राइड और जब मेरे को आखिरकार वो समझ में आ गया और वो लेटर्स करेक्टली बनाने आ गए तो तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई और जैसे कि कुछ और उसको मैं बहुत खुश हुई और मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ मतलब जब उसको वो लेटर्स बनाने आ गए तो उसको बहुत खुशी हुई और अपने ऊपर गर्व भी हुआ रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डोल और मैं जल्दी से भागकर नीचे गई और मम्मी का हाथ पकड़ा और उन हाथ पे लेटर्स डी ओ एल एल स्पेल किया इन द डेज दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन दिस वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स बट इट वॉज दैट आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज ए नेम अब वो क्या बोलती है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसको बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग आ गई लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि हर चीज का एक नाम होता है वन डे वाई लाइव वॉज प्लेइंग विद माई न्यू डोल एक दिन जब मैं अपनी नई डोल के साथ खेल रही थी मिस उलिवन पुट माई बिग रैग डोल इन टू माई लैप ऑल्सो स्पेल डी ओ एल एल एंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डोल अप्लाइड टू बोथ और मिस सुलिवन आई और रैग में से एक बड़ी सी डोल लाके मेरी लैप में रख दी मेरी गोदी में रख दी और उन्होंने उसको भी डी ओ एल एल स्पेल किया और वो मुझे समझाना चाह रही थी कि डी ओ एल एल इस चीज के लिए भी यूज होता है और जिस डोल से मैं खेल रही थी उस डोल के लिए भी डोल ही यूज होता है वर्ड अर्लियर इन डे वी हैड अ वर्ड्स मग बाद में उसी दिनन उन, उन, मतलब कैलर को बहुत मुश्किल लगा मग और वोटर में डिफ्रेंस करना मिस सुवन है ट्राई टू इम्प्रेस इंटू अपोन मी दैट मग एमयू जी इज मग एंड दट डब्ल्यू ए टी आर इज वोटर मतलब अब मग में वोटर था तो कैलर को मुश्किल हो रही थी कि जो वो एम यू जी उसके हाथ पर लिख रही है वो उस मग के लिए है और डब्ल्यू ए टी ई आर उस पानी के लिए है जो मग के अंदर है बट आई गोट कन्फ्यूज बिटवीन द टू लेकिन मैं उन दोनों